महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 42वां वार्षिक होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन डीडीए पार्क आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज में आयोजित किया गया। इस होली मंगल कार्यक्रम में रंगों की जगह फूलों की होली खेलकर यह संदेश दिया गया कि हमारी त्वचा को रंग कितना नुकसानदेह होते हैं। इसी के साथ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध कॉमेडी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के राजा रेंचो और दिल्ली डार्लिंग की विनर पूजा दुआ भी मौजूद रही। लाफ्टर चैलेंज के राजा रेंचो ने अपनी कला का ऐसा समा बांधा कि सभी दर्शकों ने इसका भरपूर आनंद उठाया। उन्होंने कहा कि महिला दिवस पर होली मंगल मिलन कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला की अहम भूमिका होती है। देश की प्रगति में भी महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजा और ये तालिया क्या हो तो मेरे लिए हंसो हो रहा है। अरे हंसे गई तो जो आई ऐसी बातों पर पहुंचे गए। दादाजी नमस्ते। हाँ दादाजी नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। साड़ी अच्छी लग रही है। मेरे वाकई साड़ी का कलर बहुत अच्छा। ओके याद रेंचो, मेरा नाम है राजा और ये मेरे प्यार दोस्त रेंचो। ये क्या था? अरे म्यूजिक के लिए हमारे सभी मेहमान यहाँ पर बैठे हैं। क्या हुआ? कौन के यहाँ का कर रहा है? ये तुम इसे जानते हो? तुम कौन सी क्लास में हो? इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम झूठ बोलो। तुम्हें वासी तुम्हारे सामने आए हुए हैं, तुम झूठ बोलो। क्या समझेंगे यार? सब मैंने तुम्हारे साथ पढ़ा है। तुम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो। दोस्तों अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स स्टैंडर्ड में। छठी कक्षा में पढ़ते हो? हाँ। बेटा आप सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं क्या? हाँ। नहीं ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? फोर्थ में पढ़ते हैं। यार रेंचो, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है यार, प्लीज यार। सब लोग देख रहे हैं, गुप्ता जी क्या सोचेंगे कि भाई ये झूठे को कहां से बुलाया मैंने? अरे क्या यार, तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करते हो, अपनी तो करते ही हो यार। चिल्लाए नहीं तो क्या करूं? नहीं उनके से चिल्ला है। तो किसे चिल्ला? किसे चिल्ला? उसे क्यों चिल्लाऊं? अरे 200 फेल हो गया तो मैं क्या करूं? वो फेल हो नहीं हुआ, वो हमारा होशियार लड़का है। है ऐसा नहीं तुम फेल हो गए हो, है तुम्हारा दोस्त है, अच्छी बात है, बाद में हम मिलेंगे। ओके खैर, ये थोड़ा सा आवाज मुझे डिस्टर्ब हुआ। यार मैंने सुना है कि तुम अच्छी शायर हो, अच्छी शायरी करते हो। हाँ? तो यार अच्छी शायरी हो जाए। रेखा तो शेर आ रहा था। तो शेर आ रहा था। गुप्ता जी चले गए। कौन गुप्ता जी? एसपी साहब। हाँ लगता चले गए। चले गए गुप्ता जी? दूर से देखा तो शेर आ रहा था। आगे दूर से देखा तो शेर आ रहा था। आगे दूर से देखा तो शेर आ रहा था। दूर से देखा तो शेर आ रहा था। आगे तो भाई
दूसरे का शेर आता, दूसरे का शेर आता, दूसरे का शेर आता। आगे तो बोल, आगे क्या सुने? आगे में गया ही नहीं ना। चलो बैठ जाएंगे, जिससे पीछे देख जाएंगे। आज के प्रोग्राम वाकई ये समाज का जो हो रहा है प्रोग्राम, और यहाँ इस समाज में आके, वैष्णव समाज में आके बहुत अच्छा लग रहा है। समाज के सभी सदस्यों के से मिलकर मतलब यहाँ देखा जाता है कि भाई कैसे जॉइंट फैमिली होती है, उस तरह से ये अपने समाज को लेकर इकट्ठा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये माहौल ही देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। महिला दिवस भी है जी, आज महिला दिवस भी है। बहुत बहुत, और महिला दिवस पे क्या कहा है भाई, महिला मतलब नारी शक्ति है, और नारी शक्ति आज मतलब कंधों में कंधा लगाकर चल रही है। तो बहुत बहुत महिला दिवस की सभी हमारे महिलाओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो मैंने कहा वही वही कहना, वही कहना। होली की शुभकामनाएं, और सुरक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ होली मनाएं। क्यों भाई? अच्छा अच्छा, करोड़ आया है इसके लिए, सुरक्षा के साथ होली मना। और कलर नेचुरल कलर, नेचुरल कलर के साथ होली मनाइए। ऑयल पेंट और इस तरह से होली मत मनाइए, और इस बार सुरक्षा के साथ होली मनाइए। महिला शक्ति होती है, और महिला ही हमारी प्रेरणा है। मेरी श्रीमती मेरे साथ खड़ी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है। महिलाओं को धन्यवाद बहुत बहुत महिला दिवस के उपलक्ष्य में। यही है भाई, समाज का भला करो सबका, और सबका कल्याण हो। सब मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर प्यार से रहे होली के इस पावन पर्व पर, मिलजुल कर प्यार से रहे। आज महिला दिवस है, मैं सारे देश की महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत बहुत धन्यवाद मनाना चाहती हूँ कि देश ने आज का दिन एक तय कर आगे, आज का दिन वुमेंस डे है मनाया है पूरे देश ने। पहले नहीं मनाया जाता था, अब मनाया जाने लगा है ये महिला दिवस। उस देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत खुश है, हमें वाष्णी रतन से सम्मानित किया गया है, इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। वहीं दिल्ली डार्लिंग पूजा दुआ ने कहा कि मैं भी एक महिला हूं, और घर की रसोई से निकलकर एक मुकाम हासिल किया है। महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझे, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, और देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू ऑल ऑर्गेनाइजर फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी हियर। एंड आज की जैसे महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, इस मौके पे आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं भी आप लोगों की तरह ही रसोई से निकल के यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या बात है, तालियां हो जाएं। मैं भी बिल्कुल सिंपल होम मेकर थी, धीरे धीरे मैंने अपने आप को बाहर निकाला, काफ़ी सारे NGOs और चैरिटी क्लब्स ज्वाइन किए, और उसमें मेरे को काफ़ी सारे अप्रिसिएशन अवार्ड्स मिले, शीला दीक्षित जी से, जया प्रदा जी से, जिनत मान जी से, विमेन ऑफ सब्सटेंस 2018, काफ़ी सारे मुझे अप्रिसिएशन अवार्ड्स मिले। धीरे धीरे हौसला बढ़ता चला गया, और मैं काम करती चली गई, और फिर मुझे जी चैनल की तरफ से मेरा रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ, और उसमें भी मुझे फर्स्ट रनर अप में रही। बीइंग ए होम मेकर मैंने इतनी सारी अचीवमेंट्स की है, तो आप भी अगर होम मेकर है तो बिल्कुल भी अपना बिल्कुल मन छोटा मत करिए, और अपने आप को किसी से कम मत आंकिए, क्योंकि अगर मेरे जैसी सिंपल सी लड़की यहाँ तक आ सकती है तो कोई भी आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम कमाते नहीं है, हमारी अर्निंग नहीं है, तो हम अपने आप को थोड़ी कम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन होम मेकर्स का जो काम होता है 24/7 का होता है, वो मेंटली और फिजिकली सारा दिन कुछ ना कुछ सोचती रहती है अपनी फैमिली। होली मंगल कार्यक्रम में आए लोगों ने इस प्रोग्राम का जमकर लुत्फ उठाया। वाष्णेय कल्याणकारी सभा हर वर्ष इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित कर समाज को एकता में बांधने का कार्य करती है, जो एक ऐतिहासिक कार्य है। सिडनी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि।
हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।